यहाँ पे 2,000 से लेके 3,000 के करीब इनके एम्प्लॉयर्स हैं जो कि भर सकते हो। लेकिन PRG का ये बेनिफिट है कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर भी हो ना, आपने अभी ग्रेजुएट किया है या आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो मेडिकल बिलिंग में, तो ये बेस्ट कंपनी है। आप यहाँ पे जल्दी नेक्स्ट डे आपको कॉल करके बुला लेते हैं। बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती हैं, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल इंटरव्यू नहीं होता। हाँ, अगर आप बिल्कुल देते हैं स्टार्ट ही 80 से भी करते हैं, 70,000 से भी करते हैं। और जो बॉयज़ होते हैं उनको मोस्टली जो है ना वो फ्यूल अलाउंस मिलता है, जो कि मेरा ख्याल है 22 किलोमीटर है। इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट गाइस बहुत ज़्यादा सेफ है, वही वाली बात है। चाहे अगर जो है ना आप 1 लाख से ऊपर जो है कमाना शुरू हो जाते हो, यानी 1.5 लाख और इस तरह से। गाइस मैंने आपको बताया कि इनके जून में भी 2024 जून और जुलाई के अंदर जो है इंक्रीमेंट्स भी लगते हैं। असलामुअलैकुम गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। होपली आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि मैं आजकल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आ रही हूँ अबाउट जॉब्स, ठीक है। जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने अभी ग्रेजुएट किया होता है या जो जॉब की तलाश में होते हैं, उनको पता नहीं चलता कि भाई अभी हम रिसेंटली कौन सी जॉब्स को जाके वहाँ पर जॉब ज्वाइन करें। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी फ्रेशली ग्रेजुएट हैं या जो करियर करियर बेस्ड जो जॉब्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं। तो इसी तरह से मेरी कोशिश होती है कि न्यू न्यू अपडेट लाती रहूं अबाउट जॉब्स ना। तो अभी हम आज की भी गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे मेडिकल बिलिंग की जॉब पे, और वो है PRG। PRG कंपनी जो कि मेडिकल बिलिंग की है, इस पर हम तफसीली A to Z में आपको बताऊंगी। बिल्कुल रिलैक्स हो के आप इसको पूरी वीडियो को देखें, ताकि आपके जो कोई भी सवाल आपका रह नहीं जाएगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में फिर मेरे से बहुत से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो खैर कोई इशू नहीं है। अगर आप मेरे से जितने भी सवाल आप पूछें, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको उसके जवाब दूँ रिलेटेड टू वीडियो। तो लेकिन ये है कि फिर भी अगर आप वीडियो गौर से देखेंगे ना और उसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर इंशाल्लाह आपको किसी सवाल के पूछने की ज़रूरत रहेगी। लेकिन हाँ, फिर भी अगर कोई सवाल रह जाएगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो चलें गाइस, आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। जिस पे हमने आज अपने बात करनी है वो है PRG। PRG क्या है? फिजिशियन रेवेन्यू ग्रुप्स है, ठीक है। और ये भी एक मेडिकल बिलिंग है, बहुत नॉन है, बहुत पॉपुलर एक फेमस कंपनी है लाहौर के अंदर। इसकी 3 ब्रांचेस लाहौर के अंदर वर्क कर रही हैं, रावलपिंडी में भी है और गुजरांवाला में भी है। तो लोकेशंस भी मैं आपको बता दूंगी कि जो लाहौर के सिटीजन्स हैं या लाहौर में आए हैं किसी और सिटी से, तो वो इजीली वहाँ जा सकते हैं, ठीक है जी। पहले हम बिलिंग इसकी कंपनी की बात कर लें, तो यहाँ पे 2,000 से लेकर 3,000 के करीब इनके एम्प्लॉयर्स हैं जो कि वर्क कर रहे हैं। अच्छा गाइस, मेडिकल बिलिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है उससे कॉल सेंटर्स की जॉब से, क्योंकि इसमें जो है आप यूएस का सुन के ना अक्सर लोगों के जहन में आता है कि शायद कोई इंटरनेशनल कॉल सेंटर की बात हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मेडिकल बिलिंग, मैंने आपको QRMD के बारे में भी बताया था कि मेडिकल बिलिंग बिल्कुल एक डिफरेंट फील्ड है। तो उसमें ये होता है कि हम एज अ ये जो सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं यहाँ पर बैठ के, जो इस तरह की सॉफ्टवेयर मेडिकल बिलिंग की जिनकी कंपनीज हैं, वो एज अ थर्ड पार्टी काम कर रहे होते हैं। किसके दौरान? पेशेंट और जो बाहर के पेशेंट हैं और उनके डॉक्टर्स के दरमियान, उन्होंने इंश्योरेंस ली होती है, उनके दरमियान एज अ थर्ड पार्टी हम काम करते हैं, ठीक है। तो मेडिकल बिलिंग बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। अब QRMD में मैंने आपको ये थोड़ा बताया था कि वहाँ पे ये होता है कि जब उनकी वैकेंसीज निकलती हैं ना, तो तब आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन PRG का ये बेनिफिट है कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर भी हो ना, आपने अभी ग्रेजुएट किया है या आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो मेडिकल बिलिंग में, तो ये बेस्ट कंपनी है। आप यहाँ पे जाके अपनी CV दो, और बाकी इंटरव्यू भी हो रहे होते हैं तो वो भी इशू नहीं होता। यानी आप वहाँ पे जाके एट अ टाइम वो आपसे उसी टाइम भी आपसे इंटरव्यू ले लेते हैं, या वो आपको बता देते हैं कि आप यहाँ से CV सबमिट कर दें हमारी। तो ऑनलाइन भी अगर आप करते हैं तो आपको अर्ली नेक्स्ट डे आपको कॉल करके बुला लेते हैं, और वॉक इन इंटरव्यू भी हो सकता है, ठीक है जी। तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि यानी कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि सीट्स आएंगी देन आप उसके लिए अप्लाई करोगे। यहाँ जाके आप अपना मेडिकल बिलिंग से रिलेटेड कैरियर बना सकते हो, यानी
है कि ये मेडिकल बिलिंग ऐसा ऐसी कंपनी है जो आपको ना मेडिकल बिलिंग फील्ड से रिलेटेड ना ए से ए बिल्कुल बेसिक स्टेज से, इनिशियल स्टेज से आपको लर्निंग स्टार्ट करवाते हैं, और देन आहिस्ता आप इधर से काफ़ी लर्न कर जाते हैं। और ऐसे बहुत से जो हैं स्टूडेंट्स भी और जो इसमें करियर बनाते हैं अपना, वो यहाँ 3-4 माह या कह लें मैक्सिमम 2 ईयर्स भी अगर लगा लें और देन वो फिर किसी और इससे बड़ी अच्छी मेडिकल बिलिंग कंपनी में जाते हैं, तो वो इजीली वहाँ पे 1 लाख पे भी हायर हो जाते हैं। तो इनका ये है कि सैलरी पैकेज की भी हम सारी बात करते हैं, लेकिन जो इसके बेनिफिट्स हैं ना वो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं कि इस कंपनी के वाकई बेनिफिट तो हैं कि जो बिल्कुल न्यू बिगनर्स हैं ग्रेजुएट हुए स्टडी से भी रिलेटेड और जो अपना मेडिकल बिलिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से आके वो आपको बहुत अच्छा लर्निंग प्रोसेस सिखाते हैं, मेडिकल बिलिंग बहुत अच्छी सिखाते हैं, कि आप यहाँ पे जाके वॉकिंग इंटरव्यू भी दे सकते हैं और इनका ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा गाइस अब बात कर लेते हैं उनके इंटरव्यूज़ की, पीआरजी के इंटरव्यू कैसे होते हैं वो भी मैं आपको सारा थोड़ा बताऊंगी उसके बारे में भी, और आप इसका वॉक इन इंटरव्यू भी हो रहे होते हैं, आप जाके अपनी फिजिकली सीवी भी वहाँ पे उनको हैंड ओवर कर सकते हैं और वो बाज़ोकात उसी टाइम ही आपसे इंटरव्यू ले लेते हैं, या फिर आपको कोई टाइम बता देंगे कि 1 दिन छोड़ गया 2 दिन छोड़ गया आप आ जाएं, और अदरवाइज आप इनको ऑनलाइन भी इनको सीवी सबमिट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पर जाके। ठीक है जी, ये तो हो गया। अब इंटरव्यू में ये होता है कि बेसिकली कोई ज़्यादा बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती हैं, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल इंटरव्यू नहीं होता। हाँ, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आपके लिए इंटरव्यू ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, वो आपसे बेसिक ही बात पूछेंगे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हाउ मच यू नो अबाउट मेडिकल बिलिंग, और वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस, और इस तरह के क्वेश्चन आपसे करेंगे, और वो देखेंगे कि भाई अगर ये हमारी कंपनी में आता है तो इस बच्चे के अंदर यानी इस जो एम्प्लॉयर है इसके अंदर इतनी है कि वो सीखना चाहता है मेडिकल बिलिंग को, तो वो सारी चीज़ें ये नोट करेंगे। और अगर आप उनको वाकई शो कराओगे कि हाँ भाई हम आपकी कंपनी से मेडिकल बिलिंग सीखना चाहते हैं, तो वो फिर आपको मतलब उसको वो प्लस पॉइंट होगा आपके ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है जी, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो देन आपके वो एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, यानी कि जो मेडिकल बिलिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस्ड क्वेश्चन, जिनको जारी से पता है जो एक्सपीरियंस होता होगा उनको ईओबी का भी पता होगा, डिनाइल्स का भी पता होगा, राइट ऑफ्स का भी पता होगा, और जो मेडिकल बिलिंग से रिलेटेड कोडिंग क्लेम्स वगैरह उसका पता होगा, तो वो फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और फिर देखेंगे कि हाँ भाई कितना इसको आता है। अच्छा गाइस सैलरी पैकेज की बात कर लेते हैं। अब जाहिर सी बात है जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनकी तो ये देते हैं स्टार्ट ही 80 से भी करते हैं, 70,000 से भी करते हैं, 80,000 और इससे आहिस्ता आहिस्ता अबव होती जाती है। तो लेकिन अगर जो फ्रेशर्स हैं बिल्कुल जो मोस्टली जो इस सर्च में होते हैं कि उनको जॉब मिल जाए और या मेडिकल बिलिंग में कैरियर बनाए, तो वो जो जितने फ्रेशर्स होते हैं ना इनकी दो तरह से होती है, यानी दो इनकी शिफ्ट्स होती हैं, मॉर्निंग और इवनिंग वाले ना। ठीक है, मॉर्निंग का ये होता है कि मॉर्निंग में इनकी एक ही टाइमिंग होती है, जो इवनिंग वाले ना उनमें 2-3 टाइमिंग्स इनकी होती हैं। ठीक है, और वैसे शिफ्ट्स तो जो टाइम शिफ्ट्स हैं वो 9 to 5, जॉब की टाइमिंग तो 9 to 5 ही है, यानी 8 घंटे आपने काम करना है और 1 घंटे की आपकी ब्रेक है। तो जो मॉर्निंग वाले हैं ना उनका सैलरी पैकेज, जो मैं फ्रेशर हूँ उनकी बात कर रही हूँ, उनका बेसिक जो होता है ना वो आजकल जो 2024 का जो अभी इनका चल रहा है, हो सकता है जून में या फिर इनका जून में भी इंक्रीमेंट लगता है, और जून जुलाई में भी इनका इंक्रीमेंट लगता है, और जनवरी में भी इनका इंक्रीमेंट लगता है। तो अभी तो जो अपडेट्स हैं वो यही है कि जो जो मॉर्निंग वाले हैं ना उनकी बेसिक होती है 28,000 बेसिक होती है, और जो इवनिंग वाले हैं उनकी 34 बेसिक होती है। अब होता क्या है, इनका प्रोबेशन पीरियड होता है अराउंड 3 मंथ्स का, जब आपके 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं तो वो आपका इंक्रीमेंट लगता है 5,000 तक से भी लगता है और इससे अबव भी लग सकता है आपकी परफॉर्मेंस पे, और फिर 6 महीने के बाद फिर इंक्रीमेंट लगता है। तो इस तरह से प्रोग्रेस काफ़ी हो जाती है। और जो बॉयज़ होते हैं उनको मोस्टली जो है ना वो फ्यूल अलाउंस मिलता है, जो कि मेरा ख्याल है 22 किलोमीटर तक के हिसाब से होता है, तो वो चाहे पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हों या घट रही हों वो उसी हिसाब से उनका 22 किलोमीटर के हिसाब से उनको फॉइल ऑयल अलाउंसेस भी मिलता है। तो ये बेनिफिट्स होते हैं। और जो गर्ल्स होती हैं उनको वो पैसे दे देते हैं,
तो ये तो इनके बेनिफिट्स हो गए। और प्रोबेशन पीरियड का भी मैंने आपको बताती है, वो इनका 3 मंथ्स का होता है, और उसके बाद फिर आप परमानेंट हो जाते हो। और फिर जब आप वहाँ पे, यहाँ पे वैसे वो कंपनी कहती है कि आप ना कम से कम 2 साल हमारे साथ काम करें, क्योंकि अब कंपनी अगर आप पे इन्वेस्ट कर रही है, आपको सिखा रही है, तो उन्होंने भी तो अपना बेनिफिट देखना है ना। और यहाँ का लर्निंग, क्योंकि मेरी जो है बहुत सी जानने वाली मेरी दोस्तें और कोलीग्स ऐसे थे जो जो वहाँ गए और रिमार्क्स दिए, तो देन मैंने कहा क्यों ना मैं ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो फिर बनाऊँ जिनको वाकई ये जॉब चाहिए, तो वो इसको ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तो अब हम बात कर लेते हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट गाइस बहुत ज़्यादा सेफ है, वही वाली बात है, चाहे आप इवनिंग में कर लो, रात में कर लो, तो एक प्रोफेशनल बिहेवियर है और फ्रेंडली माहौल है, सिखाने वाला माहौल है, यानी लर्निंग वहाँ पे ज़्यादा होती है। ये नहीं है कि आपको प्रेशराइज किया जा रहा हो या कि आपको हर वक्त टॉन्ट किया जा रहा हो, ऐसी चीज़ें नहीं है। तो उस लिहाज से अच्छा, एक मतलब अच्छी कंपनी। गाइज मैंने आपको बताया कि इनके जून में भी 2024 जून और जुलाई के दौरान भी इनका इंक्रीमेंट, मतलब बेसिक भी इंक्रीज हो सकती है, और जो है इंक्रीमेंट्स भी लगते हैं। इंक्रीमेंट्स इनके जून जुलाई में और उसमें भी लगते हैं, जनवरी में भी लगते हैं। तो होता ये है कि परफॉर्मेंस पे भी बेस करते हैं, वरना मिनिमम जो है ना 5,000 का तो इंक्रीमेंट लगता ही लगता है। बाकी जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या काम जिसने अच्छा किया है, पंक्चुअल है, इन सब चीज़ों को भी देख के वो इंक्रीमेंट्स इंक्रीज हो जाता है। और बाकी ये है कि छुट्टी का अगर बात की जाए तो यही है कि सैटरडे संडे यहाँ पे भी ऑफ है, जो कि एक बहुत गुड पॉइंट है, वरना जैसे कि कॉल सेंटर्स में होता है कि रोटेशनल वाली चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ होता है और 9 to 5 जॉब की टाइमिंग होती है। अच्छा गाइस, पाकिस्तान में जो PRG है ना, वो लाहौर में, रावलपिंडी और गुजरांवाला में होता है, ठीक है, यानी इसकी कंपनी मौजूद है, ब्रांचेस मौजूद हैं। अब लाहौर के अंदर ना गाइस इसकी 3 ब्रांचेस हैं, 3 ब्रांचेस हैं, जो कि एक है पिको रोड पे, ठीक है, और एक है लजना चौक पे, और एक जौहर टाउन में। तो ये 3 जगह पे इनका ब्रांचेस हैं, और जो रावलपिंडी और गुजरांवाला में भी इसकी ब्रांचेस हैं, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं वो वहाँ पे जाके अपना हायरिंग कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं, और जो लाहौर के हैं तो वो यहाँ पे जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं और इनकी जॉब हो सकती है। तो जॉब का यही है कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यहाँ पे हायरिंग हो जाए, क्योंकि उनको भी फ्रेशर वो रख रहे हैं, कि जिनको ए बिल्कुल भी मेडिकल बिलिंग का नहीं पता उनको रख रहे हैं। लेकिन हाँ, ज़रूरी ये है कि उन स्टूडेंट्स के अंदर इस चीज़ की विलिंग हो कि उन्होंने मेडिकल बिलिंग को अपना कैरियर बनाना है, और इनकी कंपनी में भी मिनिमम वो जो है ना 2 साल से तक लगाएं। हाँ, ये है कि जब वो 2 साल तक यहाँ पे अपना काम करते हैं, इस कंपनी में अपना एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, तो फिर इससे भी अच्छी किसी और कंपनी में जब वो जाते हैं, जैसे प्राइमा, और भी कंपनीज हैं मेडिकल बिलिंग की, प्राइमा है और FA ग्लोबल भी है, इन सब पे भी मैं जो है ना वीडियो बनाऊंगी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वहाँ पे फिर आपको उससे भी ज़्यादा अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा, क्योंकि यहाँ से आप सारा सीख के गए हुए हो। तो मेडिकल बिलिंग में गाइस बहुत अच्छा फ्यूचर है, स्कोप है इसका। तो 2 साल के अंदर जो है ना आप 1 लाख से ऊपर जो है कमाना शुरू हो जाते हो, यानी 1.5 लाख, और इस तरह से बेसिक की बात करी हो, इंसेंटिव और इंक्रीमेंट्स वाली चीज़ें तो वो साइड पे हैं, जो बेसिक है वो मैं आपको बता रही हूँ, वरना आपको पता है कि इतनी पे तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी बड़ी मुश्किलों से आजकल मिल रही है। तो अपॉर्चुनिटी है अगर आप इसको अवेल करें, यानी इनका बेसिक थोड़ा सा कम में होता है, लेकिन अगर वो स्टूडेंट टिका रहता है कुछ महीने तक, तो उसकी इंक्रीमेंट्स लग के जो तनख्वाह है, जो सैलरी है, वो बढ़ जाती है। गाइज PRG से रिलेटेड मैंने आपको जितनी मेरे से हो सका मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी, मुझे ये बहुत ज़बरदस्त कंपनी लगी, और स्पेशली उनके लिए जो जॉब तलाश कर रहे हैं, जो बिल्कुल ग्रेजुएट्स, जो अभी अभी स्टूडेंट्स, बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो PRG का जिनको नहीं पता होगा, होपफुली इस वीडियो से उनको काफ़ी हेल्प हो गई होगी कि हाँ, यहाँ पर जाके भी वो अपना कैरियर मेडिकल बिलिंग में बना सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने QRMD का बताया, QRMD भी ये था कि वो बेसिकली उधर थोड़ा सीट्स का होता है, यानी वैकेंसीज जब आती हैं तो तभी वो अनाउंस करते हैं अपनी कि अब वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो आप आके इंटरव्यू दे दें। यहाँ पे आप जाके कभी भी अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और आपको कई इन्फॉर्मेटिव लगी है, जो कि इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो आप गाइज इसको जल्दी से कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन गाइज, इंपॉर्टेंट है, ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलें गाइज, मिलेंगे आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।